हेलो गाइस, आज हम बहुत दिन के बाद व्लॉग बना रहे हैं। किसी रीज़न की वजह से हम बहुत दिन से वीडियो नहीं डाल रहे थे, तो आप सोच रहे होंगे कि अभी हम कहाँ हैं। तो देख सकते हैं कि हम ट्रेन में बैठे हुए हैं। हम कहीं जा रहे हैं जो 2 दिन का सफ़र है, तो हम कल पहुँचेंगे। हमारा सफ़र थोड़ा लंबा है, मतलब आज हम चल रहे हैं अभी 3 बजे, कल हम रात में पहुँचेंगे 9 बजे। तो आप पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको पता चले कि हम कहाँ जा रहे हैं। अभी हम लुधियाना स्टेशन में हैं, 10 मिनट बाद ट्रेन खुल जाएगा। यहाँ सामने हमारा कुछ सरप्राइजिंग कुछ मस्त चीज़ एक पर अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। हाँ, क्योंकि बहुत दिन हो गया है वीडियो, हाँ वीडियो नहीं बना रहे हैं और तो अनबॉक्सिंग भी नहीं हुआ है, तो फिर कुछ अनबॉक्सिंग करते हैं। हमारा भी फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है। पहले हम लोगों ने बहुत बार ट्राई किया था बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, पर इस बार लग रहा है सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आप लोग ज़रूर देखना कि हम क्या अनबॉक्सिंग करने वाले हैं अभी ट्रेन में बैठे बैठे। और ये जरूर बताना कि हम लोग का मास्क कैसा लग रहा है, क्योंकि ये जोजो ने बनाया है मेरे लिए, पूरा बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट। कोरोना टाइम में कुछ एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे, तो इसमें से एक एक्सपेरिमेंट ये भी है। अभी कोरोना का टाइम है, तो फिर हम अच्छे से मास्क वगैरह अच्छे से लगा के और सैनिटाइज़र वगैरह, ये है, ये हमारा है सैनिटाइज़र, इसमें सारा कुछ हमने ले लिया है और हम टाइम टाइम पे सैनिटाइज भी कर रहे हैं। और हम घर से भी खाना वाना पूरा बना कर लेके आए हैं। मेरा स्पेशल डिश भी है चिकन बिरयानी, और जोजो के लिए भी मैंने बहुत कुछ बनाया है। तो फिर जब जोजो ये करेंगे तब हम आपको दिखाएंगे कि हम लोग ने क्या क्या हम बना कर लेके जा रहे हैं। हमारा पहला आइटम स्टार्ट हो गया खाना, पास्ता। रन जी। जो जो पास्ता का मजा लेते हुए ट्रेन में बैठते ही जो को भूख लग गया, क्योंकि जो आज खाना नहीं खाए, इसलिए ट्रेन में बैठते ही जो गबागब गबागब पास्ता भी टेस्टी बना ना, बहुत ज़्यादा एकदम घी में बना है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो हम लोगों ने आपको बताया था कि हमारा कुछ स्पेशल फिर कुछ अनबॉक्सिंग होने वाला है, तो चलिए देखते हैं कि क्या अनबॉक्सिंग होने वाला है। आ गया है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है अनबॉक्सिंग करने के लिए। दिखा दूं क्या अनबॉक्सिंग करना है। तो रहा हमारा ये, हम लोगों ने ये अम्बाला स्टेशन में लिया है, तो दिखाते क्या है। ये हमने बर्गर पिज्ज़ा किया है, और ये मेरा स्पेशल नॉन वेज ओवरलोडेड। ये हम अभी अनबॉक्सिंग करेंगे, और ये जोजो का पनीर ऑनियन। तो चलो जल्दी अनबॉक्स करो, पहले इसको इससे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं ट्रेन में ऐसे पिज़्ज़ा और बर्गर खाने का। ऐसे पिज़्ज़ा बर्गर भी शायद हमारा पहला है ना, नहीं पहले हम तो नहीं खाए। चलो देखते हैं कि कैसा है। ओह चीज़ टेस्टी है, दिखाओ। आए अब देखते हैं मोमो को कैसा लगा। मोमो कैसा है? ठीक है। अब भाई दूसरा तो चिकन पिज्जा वेट कर रहा है, तो इसको ये कैसा लगेगा? मैं बस बोलने वाले थे चिकन के सामने। देखो अच्छा नहीं लग रहा, फिर भी खत्म कर रही है इतना जल्दी। ये अच्छा तरीका है, कह दो कि अच्छा भी नहीं लग रहा और खा जाओ खत्म कर दो। तो जो भी अपना पिज्जा अनबॉक्सिंग करेंगे,
आपको कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है ट्रेन में पिज्जा खा करके? मजा ही आ गया, थोड़ा तो ठंडा हो गया पर ठीक है, एसी में है ना तो एसी में इसलिए जल्दी ठंडा हो गया। चलो मैं भी जोजो का एक खा ही लेती हूँ। देखो ट्रेन में एक चोर है जो कि अपना पिज्जा तो खाएगी, मेरा भी ले लिया। देखिए इतना बड़ा पनीर का पीस, हम तो आपको भी ऑफर किया कि आप मेरा पिज्जा लीजिए, पर कोई बात नहीं, मेरा दिल बहुत बड़ा है, पेट भी बड़ा है, टेस्टी है, पर आज दिल पेट पे हावी हो चुका है इसलिए दे दिया। अब मोमो करेगी अनबॉक्सिंग। रेडी? इसका तो नॉन वेज ओवरलोडेड पिज्जा है, हर तरीके का चिकन है इसमें। और ये खुशी देखो इसके चेहरे पे, बहुत टाइम बाद नॉन वेज वो भी ओवरलोडेड, वाओ। अब मैं अपना पिज्जा खाता हूँ। आपको चाहिए? नहीं नहीं, तुम ही खाओ भाई। देखो भाई मैं तो ऑफर की हूँ, अब आप नहीं ले रहे तो आपको। हमारा पहला डेस्टिनेशन पे हम आ गए हैं, कौन सा? दिल्ली। फिर यहाँ से हमारा एक और ट्रेन है, पहुँच गए दिल्ली। हम ट्रेन से उतर गए, अभी हम नई दिल्ली स्टेशन पे बैठे हुए हैं। अभी हम जिस प्लेटफॉर्म पे उतरे उसी पे हमारे दूसरी ट्रेन आने वाली है। हम इसी ट्रेन में आए थे, अब ये ट्रेन निकल रही है। जो जो का स्पेशल आइटम खीर और आलू का पराठा। पानी मोटर, पानी बोलिए, पानी, पानी मोटर। यहाँ सारे लोग सो रहे हैं और जो जो और रात में लाइट ऑन करके नींबू पानी पी रहे हैं। कोरोना का सेफ्टी भी और मजा का मजा भी जो जो पी रहे हैं। तो अब हम सोने का तैयारी कर चुके हैं, तो फिर अब कंटिन्यू करेंगे कल के सफर के साथ। तो सबको तब तक के लिए गुड नाइट।